भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई शेषनाग के अवतारी बलदाव पर मुरारी बापू द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में भारी रोष है, जिसको देखकर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रविंद्र यादव बबलू ने विरोध जाहिर करते हुए बताया कि राम कथा वाचक मुरारी बापू ने भगवान श्री कृष्ण व भगवान बलराम के चरित्र हनन का प्रयास किया है। टीवी पर दिखाए गए उनके बयान में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, जिससे आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले देश विदेश के असंख्यक कृष्ण भक्तों तथा करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। विश्व को गीता का ज्ञान देने वाले 16 कला परिपूर्ण भगवान के लिए ऐसा अपमानजनक बयान बेहद अत्यंत निंदनीय है। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई शेष नाग के अवतारी बलराम दाऊ पर मुरारी बाबू द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में भारी रोष है। राम कथावाचक मुरारी बापू ने भगवान श्री कृष्ण बलराम दाऊ के चरित्र हनन का प्रयास किया है। टीवी पर दिखाए गए उनके बयान में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, जिससे हमारी आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले देश विदेश में असंख्य कृष्ण भक्तों तथा करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। विश्व को गीता का ज्ञान देने वाले 16 कला परिपूर्ण भगवान के लिए ऐसा अपमानजनक बयान बेहद निंदनीय है। प्रदर्शन मुरारी बाबू जी के खिलाफ है, जो रामकथा वाचक है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है और लगभग 10 दिन पहले हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर SDM साहब को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के बाद जब पूरे प्रदेश देश में विरोध हुआ तो मुरारी बापू तक जब पहुंचा तो उन्होंने माफी तो मांगी है, लेकिन हम लोग उस माफी से संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं उन पर FIR मुकदमा होकर उन्हें जेल भेजा जाए। जिनके प्रति, जिनका गुणगान करते हुए इतने कुख्यात हुए मुरारी बापू, जिससे उन्होंने पैसा कमाया, उन्हीं से परिवार पाला, उन्हीं से रोटियां खाई, उन्हीं के प्रति अभद्र टिप्पणी की है, इससे समस्त यादव समस्त देश विश्व में आक्रोश है। मुरारी बापूजी को जेल होनी चाहिए। ये कुछ दिन पहले एक गुजरात के एक संत हैं मुरारी बापू, उन्होंने हमारे भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ, हमारे नहीं हमारे पूरा विश्व उन्हें मानता है, उनके खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था सार्वजनिक मंच पर। ये बहुत ही उनकी जो नियत है उसको दर्शाता है कि एक सनातन धर्म की जो आस्था है उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाने का काम किया है। हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसके विरोध में हम लोगों ने ये मीटिंग बुलाई है, प्रेस बुलाई है, तो उसमें हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए और सख्त से सख्त उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई भी ऐसा ढोंगी, मैं तो उन्हें ढोंगी कहूंगा, ऐसा कोई भी दूसरा ढोंगी हमारे इस भारतवर्ष को, इस अखंड भारत को बदनाम करने की और हमारे प्रभुत्ता, अखंडता, हमारे भगवान को आंख उठाने की किसी में जरूरत न हो, उन पर इस तरह का दोष मरने की दूसरा कोई साधु इस तरह का पैदा न हो। इसीलिए हम चाहते हैं भारत सरकार से, आदरणीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।